का होता है तो उसकी नजर अपनी खिड़की पर पड़ती है। वो खिड़की के बाहर देखता है एक चुड़ैल और भूतिया कुत्ता एक औरत को मार कर उसके लाश खा रहे होते हैं। ये देखकर आशु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसके घर वाले उठ जाते हैं और उससे बोलते हैं, माँ मैंने अभी बाहर एक चुड़ैल और एक भूतिया कुत्ता देखा जो मीना काकी की लाश को खा रहे थे। क्या चुड़ैल और भूतिया कुत्ता अपने गांव में? तू ये क्या बोल रहा है बेटा? लगता है तूने कोई डरावना सपना देख लिया है। नहीं माँ मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ बाहर चलकर देख लीजिए। इसके बाद आशु अपनी माँ के साथ बाहर जाता है। वहाँ उसकी माँ मीना की लाश को देखती है। मीना की लाश को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कि किसी जानवर ने उसकी लाश को नोच कर खाया हो। ये देखकर आशु की माँ को अपने बेटे की बात पर विश्वास हो जाता है और वो डरते हुए अपने बेटे से बोलती है, बेटा कल सुबह होते ही हमें ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी होगी। अगर हम ये बात छुपाएंगे तो शायद कल वो चुड़ैल हमारी भी किसी तरह से जान ले लेगी, और अभी हमें घर में चलना चाहिए। क्या पता वो चुड़ैल और उसका भूतिया कुत्ता अभी भी यहीं कहीं होगा। हाँ माँ तुम सही बोल रही हो। इतना बोलकर वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं और अगले दिन गांव वाले मीना की लाश देखकर उसकी मृत्यु पर शोक जताते हैं। वहीं आशु और उसकी माँ सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताती है। चुड़ैल के बारे में सुनने के बाद गांव के लोग बोलते हैं, क्या हमारे गांव में किसी चुड़ैल का साया है? हे भगवान ये कैसे हो सकता है? आखिर हम गांव वालों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो चुड़ैल अपना भूतिया कुत्ता लेकर हमारे गांव में आ गई है? आज उसने मीना को मार डाला, कल को वो मुझे और तुम्हें भी मार सकती है। हम कैसे इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाएं? भाइयों कुछ सोचो। तुम सही बोल रहे हो बेटा, अब हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम सबको रात में अपने घर के अंदर ही छुप कर रहना चाहिए ताकि वो चुड़ैल हम लोगों को पकड़ ना सके। जिसके बाद सभी गांव वाले मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और शाम हो जाती है। रात होते ही सभी गांव वाले अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने घर में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे होते हैं और अब आधी रात को वो चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव के अंदर आती है और वो देखती है कि गांव के सभी लोग आज अपने अपने घरों के अंदर सोए हुए हैं। आज एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो अपने घर के बाहर या आंगन में हो। ये देखकर चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते से बोलती है, ये क्या आज सारे गांव वाले अपने घरों के अंदर हैं? लगता है इन गांव वालों को हमारे बारे में पता चल गया है। इन्हें क्या लगता है कि ये अपने घर में छुपकर बैठ जाएंगे तो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम इन्हें इनके घर के अंदर से बुलाकर मारेंगे और अगर फिर भी ये अपने घरों से बाहर नहीं निकले तो इनके घर में घुसकर इनको मारेंगे। हाँ मेरे शेर मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं अपना वेश बदल के लोगों के घर का दरवाजा खटखटाऊं और उनसे मदद की भीख मांगूं, और जब मैं ऐसा करूंगी तो कोई ना कोई जरूर बाहर आ जाएगा मेरी मदद करने को, और जब वो बाहर निकलेगा तब हम अपना शिकार कर लेंगे, है ना? अब चुड़ैल ऐसा ही करती है, परंतु इस बात से बेखबर चुड़ैल की सभी गांव वाले उसको देख रहे हैं। वो चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है और वो राजू के घर की ओर जाती है। चुड़ैल राजू के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटती है और बोलती है, कोई है प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। प्लीज दरवाजा खोलो, कोई मेरी मदद करो। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर राजू अपने घर में बैठा खुद से बोलता है, इस चुड़ैल को मैं ही मिला था क्या जो ये मेरे घर का दरवाजा पीट रही है? हे भगवान अब क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजा तोड़कर मेरे घर के अंदर घुस जाए। हे प्रभु मेरी मदद करो। काफी देर तक चुड़ैल राजू के घर का दरवाजा पीटती रहती है पर राजू बाहर नहीं आता, जिसके बाद चुड़ैल अपना भूतिया कुत्ता लेकर वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के वहाँ से जाते ही राजू दरवाजा खोलता है और बाहर आता है। चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ फिर से वहाँ आ जाती है और राजू को मार डालती है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो वही चुड़ैल राजू को मारकर अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव से चली जाती है। अगली सुबह फिर से सभी गांव वाले आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं,
अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम सबको इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। तुम सही बोल रही हो बहन, इस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते से हमारी एक ही इंसान जान बचा सकता है और वो है पहाड़ी वाले कालू बाबा। हम सबको कालू बाबा के पास जाना चाहिए। इतना बोलकर वो सभी औरतें कालू बाबा के पास मदद मांगने के लिए जाती हैं और कालू बाबा उन सभी गांव वालों की मदद के लिए मान जाते हैं। रात को कालू बाबा गांव वालों के गांव में जाते हैं। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, चुड़ैल अपना भूतिया कुत्ता लेकर उस गांव में आती है। कालू बाबा उस चुड़ैल का सामना करते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल बोलती है, बाबा तू यहां से चला जा, तू इस गांव का नहीं है। तूने मेरे या मेरे कुत्ते का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसीलिए हम दोनों तेरी जान नहीं लेना चाहते। पर फिर भी अगर तू मेरे और इस गांव वालों के बीच में आएगा तो मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगी। अगर मुझे मार कर तेरा बदला पूरा हो जाता है तो तू मुझे मार देना, पर उससे पहले तू मुझे ये बता इन गांव वालों ने तेरा और तेरे कुत्ते का आखिर क्या बिगाड़ा है जो तू सभी गांव वालों की जान लेना चाहती है। मेरी मौत इन गांव वालों की वजह से हुई है बाबा, मैं मेरे शेरों के साथ अकेले रहा करती थी। मैं मुन्नी हूँ, इस गांव की रहने वाली, जिन पर इन्होंने लांछन लगाया था। बाबा मैं अपने शेरों के साथ अकेले रहा करती थी, एक दिन गांव में चोरी हुई। इत्तेफाक से उस समय मैं अपने कुत्ते की दवाई लेकर घर जा रही थी। रास्ते में एक चोर मेरे हाथों में पोटली थमा गया। मैं उस पोटली को लेकर सरपंच के पास जाने ही वाली थी, उससे पहले गांव के लोगों ने उस पोटली को मेरे हाथों में देख लिया और मुझे चोर ठहरा दिया। इसके बाद इन लोगों ने बिना मेरी बात सुने मुझे पत्थरों से मारा, जिससे मेरी और मेरे शेरों की मृत्यु हो गई। बस तभी से मैंने ठान लिया कि मैं अपनी मौत का बदला इन गांव वालों से लूंगी। मीनू हमें माफ कर दे, हमें लगा वो चोरी तूने ही करी है। वो पैसे हम सभी गांव वालों की जमा पूंजी थी, हमने तेरी बात नहीं सुनी और जब उस चोर ने हमें ये कहा कि ये चोरी तूने की है और तेरे पास पोटली मिली तो हम सभी गांव वालों को लगा कि तू ही चोर है। हमें हमारी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। हाँ हम मानते हैं हमारी वजह से तेरी जान गई, पर उसका बदला इस तरह से मत ले, पूरे गांव को वीरान मत कर। मुन्ने तुम एक समझदार लड़की हो, गांव वालों से गलती हुई है और तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं ये सब, तुम इन्हें माफ़ कर दो। नहीं, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। आज इनकी वजह से मैं इंसान से एक चुड़ैल बन गई हूँ और मेरा शेरू एक कुत्ते से भूतिया कुत्ता। इतना बोलकर भूतिया कुत्ता और वो चुड़ैल गांव वालों पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद ना चाहते हुए भी बाबा को अपना भभूत चुड़ैल और कुत्ते के ऊपर फेंकना पड़ता है। बाबा जैसे ही अपना भभूत चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं, जिसके बाद बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और उन दोनों के शरीर में आग लग जाती है और वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते के खौफ से आजाद हो जाते हैं। रुको जरा,